होता है, जिनके यहाँ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, करवा चौथ लोग करते हैं। तो आज अपने पति के लिए ये पर्व होता है कि पति के लिए सुहाग के लिए किया जाता है, तो आज 16 श्रृंगार करना चाहिए। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अभी का जो ब्लॉग है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2-3 दिन पहले का, क्योंकि उसके बाद जब 30 था उसके ठीक कुछ समय पहले जो है वो कुछ हो गया था, तो इस वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सा वीडियो नहीं डाला जाए। और इस बार रंजना 30 नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि अगले बार या अगले जो दूसरा साल होगा, कोई कोई बोल रहा है मलमास है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं, पर इतना बस मुझे पता है कि अब जैसा होगा सिचुएशन वैसा हो देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना था, पर रंजना पता नहीं अभी क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि मैं बस यही, इसी बात से मुझे और भी गुस्सा आता है कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या हम कोई रीज़न से नहीं डाल पा रहे, तो तुमको अपना काम कर देना चाहिए। वैसे भी 8 महीना से ज़्यादा हो गया, और इस वजह से ही और ज़्यादा जो है हम लोगों के बीच में जो है थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। इस वजह से ना मैं डाल पा रहा हूँ, और उसका जो काम होता है वो अगर कर देती तो शायद मुझे हल्का रहता। अगर मैं अपलोड करूँगा तो मैं ही करूँगा, वो नहीं कर रही है। खैर आप लोग कमेंट कीजिए जो भी सही है, आप लोग देख मतलब बोलिएगा कि आपको भी करना चाहिए। अब जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बस लास्ट तक देखते जाइए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको देखेंगे, आप लोगों को मैं बता दूँगा कि क्यों वो साड़ी नहीं पहना गया जो मम्मी बोली कि तुम पहन लेना, आखिर ऐसा क्या रीज़न था। तो बस धीरे धीरे वीडियो में आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और भी बहुत सारा वीडियो जो है आज आने वाला है आज का दिन, क्योंकि हम लोगों के पास वीडियो पड़ा हुआ है, तो जो कि आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आएगा। स्कूल का काम जो है अभी बहुत सारा बचा हुआ है, तो ये सब काम हो रहा है और क्या क्या चीज़ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आज भैया मेरे को बोला कि चलो एक बार जल्दी देख लेना वहाँ पर, तो मैं बोल रहा था कि ठीक है चलो, पर मना तो कर ही रहे थे, पर फिर बोला गया कि चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद से देखे कि बहुत सारा चीज़ बदल गया है, वो पहले करकट का सारा कुछ था, तो अब जो है ऊपर में भी बन रहा है। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पे अभी रॉड रखा हुआ है, वहाँ पे एक तो, देखो तो फेंकाया हुआ है थी बैल, बैल उठाओ। तो अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे घर पे, घर पे जाने के बाद से मेहंदी लगेगा। एवरीवन, तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पे मैं और दीदी हम लोग बातें कर रहे थे कल के लिए, और हम लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी देख रहे थे कि ये चीज़ मंगाया जाएगा वो चीज़ मंगाया जाएगा, तो मैं भी हम लोग डिस्कस किए बात किए। और फिर हम लोग को मेहंदी भी लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि दीदी से मैं बोल रही थी कि दीदी मेहंदी हम लोग कब लगाया जाएगा, क्योंकि कल तीज है और दीदी को भी लगाना है, फिर मम्मी जी को भी लगाना है, हमको भी लगाना है। तो वही हम लोग सोच रहे थे, बोल रहे थे कि दीदी हम लोग को तो डिजाइन उतना आता नहीं है, चाहे मैं तो मेहंदी लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता लगाने, बस मैं सोच रही हूँ कि रात में ऐसे ही हाथ पे क्या करूँगी, थोप लूँगी। अच्छा है, देखते हैं, दीदी का भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, नहीं तो मैं, अगर उनका तबीयत सही रहता तो मैं एक हाथ पर लगवा लेती उनसे, अब बाकी एक हाथ पर मैं खुद थोप लेती ऐसे ही। तो अभी देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो भी बाहर गए हुए हैं, तो मैं उनको बोली हूँ कि मेहंदी लेते आइएगा, हम लोग लगाएंगे घर पे, तो बोले ठीक है। और अभी भैया वो सब लोग स्कूल पे हैं, और घर पे अभी हम लोग 3 जन ही हैं, मम्मी जी मैं दीदी, तो मैं दीदी के पास ही बैठी हुई थी, बातें कर रहे थे। और अभी चलते हैं, शाम का वक्त हो चुका है, तो
अभी देखते क्या करना क्या नहीं, उससे पहले कि मैं चल रही हूँ मम्मी जी के पास, वो क्या कर रही हैं। वैसे तो अभी हमको लग रहा है कि अभी लेटी हुई होंगी, फ़ोन देख रही होंगी, क्योंकि वो भी दिन में सोती नहीं है और आज हम भी नहीं सोए हैं क्योंकि आज मुझे नींद भी नहीं आ रहा था और फिर नहीं सोए। बाकी अभी जेरी वहाँ बैठा हुआ देख रहा है, दिखाते उसको। और जेरी को भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ उसका खाना दे दूँ, यहाँ पे दूध और घास का बर्तन यहाँ धो दिए। और जेरी देख रहा है मेरे को क्योंकि उसको खाना देते हैं ना, मुझे पता चल गया कि उसको भूख लगा है। तो यहाँ पे क्या के लिए है, दूध भाग गई और ये सो गई थी, नहीं बोली सो गई थी और यहाँ पर मैं इनको खाना देती हूँ तो खा रही हूँ। बाकी जेरी को देखिए खाना दिए थे, पूरा चक्कर खा गया वो खाना, भूख लगा हुआ था इसको। और यहाँ पे भी शाम का वक्त हो गया है तो दूध यहाँ पे चढ़ा दिए गर्म होने के लिए। दूध गर्म नहीं होता तो क्या होता है ना कि फट जाता है। और अभी शाम का वक्त हो चुका है तो यहाँ पे मैं ले लिया हूँ सब्जी जो कि कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लिया हूँ क्योंकि भूख लग गया था काफ़ी। तो अब यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका है और आज बनाने जा रहे हैं डिनर में भिंडी का भुजिया और कुंदरे का भुजिया और रोटी अभी। और यहाँ पे आंटी जी काटते चलते छोड़ देते हैं, और लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, इसलिए लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाती है गर्म होने के लिए और अब इसमें डालेंगे तेल। तो अभी यहाँ पे तेल डाल दिए, गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी का फोरन। अब डालेंगे कटी हुई मिर्च, ये दो सब्जी के लिए है तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये गाइस तो यहाँ पे जितनी बड़ी चटनी आ गई है और अब यहाँ पे जा रहे हैं कुलचे का भुजिया बनाने, जो कि अभी आज दो दो कल का भुजिया बनेगा और बस इसको छौंक कर उसके बाद रोटी बनाएंगे। ये गाइस तो अभी यहाँ पे सब्जी बन रहा है और इसमें अब डाल दें नमक हल्दी और अब तावा है अभी। तो अब यहाँ पे खाना तो बन चुका है लेकिन सुबह का चावल बच गया था यहाँ पे। तो गाइस फाइनली आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे बैठी हुई है रंजना, और रंजना अभी डिवाइड सिखा रही है छोटू को। छोटू बताओ क्या बताइए ये कैसे बनेगा। सर मार रही है मिस छोटी, अभी बोला जाएगा हेडशॉट कैसे मार जाएगा ऐसे, तो नाइन का टेबल ऐसे मारा जाएगा। मैं समझा रही, अगर तुम नाइन का टेबल पढ़ो 43 से क्या कम आ रहा है, आता है नाइन का टेबल थोड़ा पढ़ो तो पढ़ो तो नाइन का टेबल। बता दूं कि 9:10 होने वाला है और यहाँ पे क्या क्या बन गया है आज खाना में। खाना में तो अभी बन गया है आलू का बोल रहे हैं रोटी, कुंदरी का भुजिया और ये। तो गाइस आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे आ चुका है मेहंदी, मेहंदी आया है इसलिए क्योंकि सब लोगों को मेहंदी लगाना था। तो रंजना भी नहीं लगाई है क्योंकि सारा खाना जो है बनाने के बाद सब लोगों को खिला दिया जाएगा, उसके बाद से रंजना का टाइम आएगा क्योंकि कल जो है सब लोग फास्ट कर रहे हैं, रंजना नहीं कर रही है, तो इस वजह से सबसे पहले खाना सब लोग खा लिया। मम्मी जी खा ली, पापा जी भी खा ली, बबुनी भी खा ली, बाकी अभी हम लोग बचे हुए हैं। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो अब तब तक आप लोगों को एक चीज़ दिखा देते हैं जो कि बहुत ही आप लोग मेरा कपड़ा देखे होंगे। अभी छोटू को थोड़ा सा और पढ़ने दिया जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलवाते हैं। ए गाइस तो यहाँ पे आलू बैंगन कट कर दिए और यहाँ पे अभी मैं चल रही हूँ सब्जी छौंक देते हैं। फिर आंटी जी यहाँ पे आटा सान दिए तो एक साइड सब्जी और एक साइड रोटी बनाकर उसके बाद फिर जाएगा खाना। ये गाइस तो अभी खाना बना लिए और बाकी अभी सबको खिला भी दिए और अभी हम लोग खाने के लिए बाकी हैं।
बस ब्लॉग को यहीं तक एंड रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और खूब ढेर सारा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। हाँ सही बात है ना, देखिए मुँह। तो गाइज़ यहाँ पे रात का होने वाला था, 11 बजने वाला था और सब लोग खाना खा भी लिए थे। सबके लिए खाना खिलाने के बाद से जो है रंजना बैठ गई थी। वैसे तो इसको आता नहीं है मेहंदी लगाना, पर आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक कि ये मेहंदी कैसे लगाती है। तो ये है कुछ ऐसा डिज़ाइन, और एक ही हाथ में मेहंदी इस बार लग पाया था। और जो तीज था वो जैसे पहला तीज के जैसा होता है ना, तो इस बार जो है वो ना तीज की थी ना इस बार कुछ हुआ, बस कुछ डिज़ाइन ऐसा था। और मैं देख रहा था टीवी इसका मन लगाने के लिए कि कम से कम मैं भी जगा रहूँगा तो ये अपने काम भी करते रहेगी आराम से। चलिए गाइस, थैंक यू। ये गाइस तो अभी आप सुबह का टाइम है और यहाँ पे मम्मी जी और दीदी का फास्ट है, तो लोग अभी सही खा रहे हैं और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। पहले बना दे रहे हैं गाइस, तो अभी चाय पी लिए लोग और अभी जा रहे हैं थोड़ा जल्दी में आराम करते हैं, उसके बाद उठेंगे क्योंकि अभी सुबह तो हो चुका है लेकिन अभी मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा देर और सो जाते हैं उसके बाद उठेंगे। ये गाइस तो अभी खाना बन गया है और अभी हम लोग खा रहे हैं। बाकी यहाँ पे दीदी है जो कि अभी यहाँ पे ये तीज की तैयारी के लिए अभी सब निकाल रही है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो यहाँ पे शायद इनका कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत सारा सामान नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं कब से। मम्मी नहा बिली, मम्मी को मंदिर जाना है। हाँ अभी तक नहाई नहीं, तो अभी भी नहाएंगे, रेडी होंगे और मैं भी थोड़ा सा रेडी होंगी क्योंकि तीस तो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम लोग रील और शूट करेंगे नहाएंगे। हाँ। तो इसलिए तब क्या रेडी हो जाओ आराम से मस्त, और फिर हम भी अब मैं नथिया अरे टीका तो है, नथिया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है मेरे पास है, एक आप पहन लीजिए और एक मैं पहन लूँगी। तो इनको ये टेंशन हो रहा है कि नथ मेरा यहाँ पे, मेरे पास दो नथिया, मेरा अलमारी कबाड़ी होगी। मंदिर जाएंगी और आज इनका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं तो देखी आते के साथ ही देखी तो बोली कि वाह, लाल पीला पता पूजा पाठ रहता है ना, तो लाल पीला का एक अलग ही लगता है पहनने पर, लगता है एकदम हाँ नई दुल्हन की तरह। और मम्मी जी भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ, बोली कि अभी पाव कलर करना है, तो यहाँ पे अभी मैं पाव कलर करूँगी फिर नेल पेंट लगाऊंगी और बाकी आगे चलो आगे खींचो। हाँ वहाँ तब हो गया ढीला है कर लेना। और अभी मम्मी जी तीज पे तो आंटी दे दे तो निकाल नहीं रहा जल्दी, ढीला करो उसको, नो बच्चा के हाल में होता है। जिनके यहाँ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, करवा चौथ लोग करते हैं। तो आज अपने पति के लिए ये पर्व होता है कि पति के लिए सुहाग के लिए किया जाता है, तो आज 16 श्रृंगार करना चाहिए और मंदिर जाकर भोलेनाथ को पूजा करना चाहिए। अगर घर पे सब सुविधा है तो घर पे ही कर सकती हैं। हम इस बार सोचे थे कि घर पे ही करेंगे, दोनों जनी लोग भी रहेंगे हम रहेंगे, तो पंडित जी को बुला के घर पे कथा पूजा करवा के अच्छे से करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। सोचने से कुछ नहीं होता है जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे। तो अब हमको अकेले हम थे तो हम इसीलिए अब मंदिर जा रहे हैं शंकर भगवान के, तो वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और आएंगे पूजा करके तो यहाँ छू लेंगे, छू के उसके बाद से कपड़ा चेंज कर देंगे, फिर कल सुबह में हम लोग कपड़ा पहन के अच्छे से तैयार होंगे और कल भी आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए।